देख रहे हैं कि मैं जगत्ती पट मंदिर पे आ चुका हूँ। आप देख रहे हैं कि साफ सुथरा है, मंदिर बंद है, वहाँ जाना भी अलाउ नहीं कोविड के कारण है सब। तो आप देख सकते हैं कि आप कोई भी चमड़ी की चीज़ नहीं ले आ सकते। और इतना पुराना मंदिर कितना अच्छा लग रहा है यार, सीरियसली इतना पीस है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी ऐसा कुछ मेरे घर के पास भी है, तो आपको दिखाता हूँ, यहाँ का बनाओगे दिखाता हूँ। ये पत्थर देख रहे हैं यार आप, लकड़ी और पत्थर से बनाया गया इतना अच्छा मंदिर यार, सीरियसली बहुत अच्छा है यार। बस लेकिन एक बार आके मंदिर देखो यार, इतना अच्छा तरीके से आर्किटेक्ट किया गया भाई, मतलब इतना प्यारा, क्या सोच के बनाया गया यार। इस तरह के घर अगर पूरे इंडिया में हो जाए, पूरे वर्ल्ड में, तो कितना प्यारा लगेगा। आप देख सकते हैं यार इतना प्यारा लग रहा है। तो गाइस अब मैं आगे जा रहा हूँ आगे की वीडियो बताने के लिए। थोड़ी ठंड हो रही है, मौसम ख़राब हो रहा है, स्नोफॉल के चांसेस है। मैं चाहता हूँ गाइस स्नोफॉल हो जाए, और गाइस मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो दोस्तों आज मैं जगतपति मंदिर के बारे में आज आपको सारी कहानी बताऊंगा, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक है और बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। जगतपति मंदिर नगर महल के खुले आंगन में स्थित है। यह मंदिर बहुत सुंदर है और वास्तुकला में समृद्ध है। यहाँ एक पत्थर की दीवारों वाली संरचना है, जिसमें लकड़ी की खिड़कियों पर त्रिकोणीय लकड़ी की छत और जटिल नक्काशी है। एक दिलचस्प किंवदंती है जो कहती है कि यहाँ के मंदिर में पत्थर की पट्टियाँ मधुमक्खी द्वारा ली गई थी, जो सभी देवताओं के अवतार थे। मंदिर की एक बहुत ही आकर्षक विशेषताएं, जब एक नगर कैसल के प्रांगण में घूम रही है, यह लकड़ी एक उत्कृष्ट दरवाजा है जो लगभग हमेशा बंद रहता है। जगतपति मंदिर स्थानीय लोगों के बीच सम्मान और भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा के मामले में आसपास के गांव के लोग कार्रवाई के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने के लिए यहां इकट्ठा होते हैं। वे जगतपति मंदिर में देवताओं के लिए सामूहिक रूप से अनुष्ठान और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। मंदिर के अंदर छत में लकड़ी के नक्काशीदार पैनल है। लकड़ी के बीम को सुंदर पैटर्न के साथ द्रव्य रूपांकनों के तेज डिजाइन के साथ उकेरा जाता है। मंदिर के अंदर पत्थर का त्रिकोणीय स्लैब फूलों और प्रसाद से घिरा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जंगली सुहागरात के झुंड द्वारा एक पहाड़ देव टिब्बा के शिखर से यहाँ लाया गया था। यह करीब 800 किलो का है। तो दोस्तों आप सबको दर्शन हो चुका है। आपको सारा नगर काशी में जितना मुझे पता था मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है। आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, बहुत प्यारा प्लेस है। तो जैसे अब मैं यहाँ से एग्जिट ले रहा हूँ, हमें जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, तो वो मुझे फिक्स पता नहीं कहाँ जाना है, बट मैं जहाँ तो आपको बता देता हूँ। तो जितना होगा मुझे सपोर्ट करो भाई, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं और भी जगह जाने वाला हूँ, तो भाई मुझे सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। तो गाइस बाय।